ये क्या कर रहे हो तुम? आपको क्या दिखाई दे रहा आसार तो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हें है? पहले से पता था ना क्या कि एहसान अंकल दानिया की शादी डिले कर रहे हैं? पता तो नहीं था, लेकिन हाँ मुझे आइडिया था। इसीलिए तुम खुश हो रहे हो इतने? शर्म कर लो, माम हमारी कजन है। तो क्या माम हमेशा कजन नहीं रह सकते? तो मतलब? मतलब ये है आप ही कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कोई बदतमीजी नहीं करना। हाँ भी मैंने आज तक बदतमीजी की है जो मैं करूंगा। हाँ ठीक है, वैसे भी उसकी शादी डिले हुई है, मंगनी टूटी नहीं है। जी मुझे पता है, और मामा ची की जो आपा बेगम है वो आपसे बहुत खुश होकर मिल रही थी। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्द हमारे घर आ जाएंगी मामा ची को लेके। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो? कभी कभार मुंह से निकली बातें सच हो जाती है भाई। वो तो ठीक है, लेकिन आप ही कुछ भी हो सकता है, तैयार रहेगा। काम करो तुम। अस्सलाम वालेकुम। दानिश, मैं सवेरा बात कर रही हूँ, रूहान की मम्मी। सवेरा आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बीजान बता रही थी बेटे कि तुम्हारी बहन डिजाइनर है। जी आप ही बहुत अच्छे कपड़े डिजाइन करती हैं। आप घर आ जाए कभी भी। तुम मुझे लोकेशन भेज दो तो मैं चक्कर लगाऊं। जी मैं आपको पिन लोकेशन भेजता हूँ, जब दिल चाहे आप घर आ सकती हैं। बस ठीक है, तुम लोकेशन पिन भेजो, फिर मैं एक दो दिन में चक्कर लगाती हूँ। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। खुद बना लेना तुम इनके कपड़े, मैं जा रही हूँ कराची छोड़ के। आप ही क्या हो गया, इतना अच्छा लड़का तो है, खंबे जैसी तो हाइट है उसकी, खड़े खड़े छत और पंखे साफ कर देता है, अपना खुद का कारोबार है, लंडी का काम करता है तो क्या हुआ, गरीब आवाम की तो मदद ही कर रहा है ना। और वैसे भी यतीम है, इन लॉस की खिदमत करने वाली बात की तो टेंशन लेनी नहीं है आपने। बस एक बहन है, थोड़ी गुस्से की तेज है, लेकिन उसकी भी आपको टेंशन लेनी, क्योंकि वो अज़रबैजान में होती है। आप ये क्या किया आपने, हद हो गई है। आ गए होश तुम्हें? अगर उन्होंने इस घर में एक कदम भी रखा ना, तुम जिम्मेदार होगे उसके।